अमीर ढाबा का जो इनॉग्रेशन है सर, उद्घाटन जो है वो 26 नवंबर को है सर, 26 नवंबर अच्छा 2022। अच्छा कहाँ पे आपका और ढाबा? 3 वीक्स ये बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर, ये उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है, रसड़ा एक नगर पालिका है और अच्छा ये मेन हाईवे पे है सर। अच्छा बलिया डिस्ट्रिक्ट था। मैं चूंकि पेट्रोल पंप ओनर भी हूँ सर, अरे वाह हाँ वाह वाह, बलिया कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में सा? रसड़ा तहसील है सर। एक मिनट, बलिया, और बी ए एल सर आई वाई पेट्रोल ए, पंप हमारा ठीक शाम जी बलिया डिस्ट्रिक्ट, BALLIA, बलिया। BALLIA। आपके लोकेशन का नाम क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन बलिया का? डिस्ट्रिक्ट में रसड़ा, हाँ रसड़ा, RSRA, रसड़ा बलिया रसला, RSRA। जी। ओके ओके, मैं अभी एक्चुअली सामने मैप खोल रहा हूं, मुझे आपका रेस्टोरेंट ऊपर से देखना है। ढाबा हाँ हाँ, रसरा का रेलवे स्टेशन दिख रहा है। हाँ तो हाँ हाँ तो बोलिए जी, बोलिए, KOP एनीवेज कोप, आप बोलिए, आप बोलिए, कोप मैं भी बोलूँ। डालिए सर, KOP कोप, कोप रसड़ा जी। ये हाँ ओ सर, तो मेरा लोकेशन हाईवे पे, हाँ KOP कोप, KOP कोप रसड़ा। कोप कोप कोप, ओके ओके, कोप तो आ रहा है, कोप उत्तर प्रदेश आ रहा है, कोप रेलवे स्टेशन, कोप KOP। KOP कोप, हाँ KOP कोप, कोप सर विलेज नेम ऑन हाईवे, हाँ हाँ KOP हाँ कोप, रसरा, ये रसला तहसील में पड़ता है सर बल। हाँ जी, हाँ समझ गया समझ गया। हाँ तो बोलिए, आप बोलिए। तो इसमें हाँ सामने पेट्रोल पंप है सर, BPCL का, भारत पेट्रोलियम का, और बराबर, अच्छा वो मेरा ही है, मैं उसको रन करता हूँ। पेट्रोल ओके पंप को रन करना तो बड़ा इजी है, मोबाइल राइट पे ही मैं इसको रन कर सकता हूँ मैं। हाँ जी, मैं ओके जॉब में भी हूँ, मैं आगरा में इस समय हूँ और दूर से ही अच्छा मैं इसको मैनेज करता हूँ पेट्रोल पंप को, और कोई दिक्कत नहीं होती है। बराबर, समझ गया। क्योंकि डिमांड था वहां पे कि वहां पे कोई बढ़िया ढाबा नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, तो समझ गया, मैंने सोचा कि यदि ढाबा हम खोलते हैं तो तक ड्राइवर्स वगैरह अट्रैक्ट होंगे और हमारे तेल की बिक्री बढ़ जाएगी, समझ और गया समझ गया इस दृष्टिकोण से मैंने जो है ये ढाबा इनोग्रेट करने का सोचा है। ढाबा समझ नाम है गया। लेकिन बेसिकली ये जो है इसमें सारी सुविधाएं जिसे मैं दे रहा हूँ, जिसे वाईफाई वगैरह है, या मतलब रेस्टोरेंट है लेकिन नाम मैंने ढाबा रखा है, मतलब अच्छा वहाँ वहाँ अच्छा के लोग। हाँ जी, और हाईवे पे है ये तो समझ गया, जी। तो ढाबा के बारे में मेरे को बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं, मतलब ये मेरे लिए बराबर बिल्कुल नया, बिल्कुल बिजनेस है ये। और जैसा राइट, कि लोग कहते भी हैं कि आप द्वारा जो है ढाबा नहीं चलाया जा पाएगा क्योंकि आप रहते हो नहीं, दूर रहते हो, दूर से इसको हमको चलाना है, बराबर एम्प्लॉय हम तो हायर कर लिए हैं कैलकाटा बराबर। अच्छा से। कर लिया आपने एम्प्लॉय हायर? जी, अच्छा स्टाफ स्टाफ पूरा आपने हायर कर लिया है, स्टाफ हमने कुक को हायर कर लिया, मेन कुक को 20,000 सैलरी मासिक पे? पे। ओके जी जी अच्छा जी कैलकाटा, कैलकाटा का कुक है सर, और बाकी ओके जितने भी लोग हैं वो खुद जो है उन्होंने कहा है कि मतलब 26 को इनॉग्रेशन है तो 15 को टोटल अन्य जो स्टाफ है लेके आएंगे। तो इसमें अच्छा शुरुआत में सर क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं, क्या किए जाएं, क्योंकि मतलब ये बिल्कुल मेरे लिए थोड़ा सा नर्वस भी करा रहा है ये ढाबा, क्योंकि नहीं नहीं ठीक है ठीक इसमें है, वो तो स्टार्टिंग में एक्चुअली देखिए सर्वेश जी, पहली बात तो आपको नर्वस है वो नॉर्मल है, नर्वस होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस नया जब भी होता है तभी नर्वस होंगे तो ही लोग सीरियसली लेंगे बिजनेस को, तो ये पॉइंट वन हो गया। और आप पहले आपका पूरा बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको मेरे हिसाब से जी, बताऊंगा। तो मेरे को जैसे ढाबा का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पेट्रोल पंप से लिंक करके मतलब चलना है, क्योंकि पेट्रोल पंप के ठीक सामने है वो, तो मेरा ये टोटल अभी फोकस आपको तो आपका प्लान दिख रहा है क्या? कोप आप फोन पे देख रहे हो, कहाँ पे देख रहे हो आप? ये मैं बस आपका फोन पे हूँ सर। फोन पे आपने देखा होगा, शिव टेम्पल है यहाँ पे, काली माँ टेम्पल है, मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा है सर, वो उसका जो लोकेशन का? मैं लोकेशन का, उसका फोटो अपने ढाबा का अच्छा ओके ओके, अभी ढाबा का मैं फोटो हो शेयर करूं गया। क्या हाँ हाँ सर? हाँ हाँ आप तो लोकेशन पेट्रोल अगर हो सके पंप तो, लोकेशन हो BPCL सके तो शेयर पेट्रोल, कीजिए। ये तो मैंने देख लिया आपका, यस 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 यस, एक मिनट। व्हाट्सएप में आपके प्राइवेट व्हाट्सएप में होगा सर वो, BPCL पेट्रोल हाँ पंप है और सामने जो है वो ढाबा अभी मतलब लास्ट ये स्टेज में वाला है ना, मेरे पास जो है। ये वाला, हाँ 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 ओके ओके समझ गया। जी,
तो बोलिए बोलिए। इसमें इस ढाबे को, इस ढाबे को चलाने के लिए हम जो है मेन क्या मतलब टारगेट क्लाइंटल क्या होने चाहिए, क्या हमको वेज नॉन वेज दोनों देना चाहिए, या मतलब इसमें क्या हम प्रिकॉशन लें कि ढाबा हमारा जो, जी जी सर यही है, बिल्कुल यही है, ये मेरा पेट्रोल पंप है सर, ये मेरा पेट्रोल पंप है सामने, ये चूंकि 15 दिन पहले का फोटो है, ये 10-15 दिन पहले का फोटो है, अभी वो पूरा जो है मेरा ढाबा बन गया है और फिनिशिंग करवा रहा हूँ सर, आगे आगे गार्डन लगवाऊंगा सर, ये चूंकि 20,000 स्क्वायर फीट में है सर, ये 20-22,000 स्क्वायर फीट में है, समझ गया, और मेरा निजी लैंड है ये, इसमें आगे 50 फीट में 45 फीट में गार्डनिंग करवाऊंगा और बाकी सब इसको डेकोरेट कराऊंगा सर, समझ तो, गया। जी जी जी, तो अभी हमारा जो है चार से पांच दिन में बिल्कुल ये ओके हो जाएगा सर, ये अच्छा बनवा रहा हूँ सर, जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा मेन कंसर्न सर ये है कि देखने में ढाबा था लेकिन मेरा पैसा तो मतलब समझिए कि 50-60 लाख रुपया मेरा चला गया उसमें, अपार्ट फ्रॉम लैंड मेरा देखें तो 60 लाख रुपए की किसमें डाला आपने इसमें? सर क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कम रहता है तो मोबाइल टावर वगैरह लगवाया सर, मोबाइल टावर पीछे लगवाया है, और इसके अलावा सर उसमें उसमें कितना गया मोबाइल टावर में? मोबाइल टावर में सर गया हमारा 1.5 लाख गया सर, 1.5 लाख। ओके ओके ओके, 1.5 लाख गया सर। और इसके अलावा सर ये जो जमीन है वो काफी 30 फीट गहरा था सर, तो 30 फीट तो गहरा को पाट, हाँ जी जी, इसको पाटने में जो है भराई करने में, भराई करने में 15 लाख से ऊपर सर उसमें भराई नहीं जाता, बराबर 15 और 2 17 निकाल दीजिए। और जी जी, और इसके अलावा जो बाउंड्री जो बनाया सर ना, अच्छा उतना नीचे है ये जो अभी वीडियो में दिख रहा है, हाँ काफी जी जी, काफी मोटा जो है बाउंड्री बनवाया, जिसे उसका जो है 18 इंच की दीवार जो है मैंने लगवाया है, उसको कितना खर्चा है? उसमें ज्यादा आ गया सर, उसमें जो है ईट है सीमेंट है, कम से कम मिनिमम सर उसमें जो है मेरा लग गया 15-20 लाख लग गया सर, ओनली बाउंड्री, क्योंकि 25,000 स्क्वायर फीट जमीन है सर, जमीन ज्यादा है और चारों तरफ से बाउंड्री जो है, और 30 फीट नीचे था तो इसलिए ज्यादा लग गया उसमें, समझ गया। और मेरा मेन कंसर्न ये है सर कि ये जो भी लग गया कुछ भी मतलब मेरे टारगेट क्लाइंटेल क्या होने चाहिए और मेरे को वहां पे क्या सेल करें कि मतलब ज्यादा मतलब उसका डिमांड मतलब क्या होना है। हाईवे पे ट्रैफिक कैसा है आपका? हाईवे पे ट्रैफिक कैसे? कौन सा वाला हाईवे? आई शुड फोकस, ये बनारस है सर, ये जो रसड़ा या बलिया कह लीजिए, रसड़ा से जो बनारस का हाईवे है सर ये, हाँ तो वो है सर, जी जी जी, रसड़ा से बनारस वाला है सर, बनारस टू रसड़ा, हाँ ये एक्चुअली तो ये ODR में आता है सर, वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में आता है, लेकिन अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है सर, वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये है कि लखनऊ भी जाना हो तो इसी रोड से लोगों को जाना है, बनारस जाना है तो इसी रोड से जाना है, इसके सामने से जाना है, इसके सामने से मतलब इसी से गुजरेंगे तो 6 किलोमीटर बाद जो है सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और जो बनारस और गोरखपुर का जो हाईवे लिंक है, अच्छा वो हमारे पेट्रोल पंप से उसकी दूरी 7 किलोमीटर लमसम होगा सर, तो अच्छा जो भी जितने भी मतलब गाड़ियां गुजरती हैं तो इसी हाईवे से गुजरती हैं। एक मिनट मैं जरा सब लोग को म्यूट करता हूँ, सिर्फ आपको एक मिनट, सिर्फ आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप अनम्यूट कर दीजिए सर्वे जी। हाँ सर सर, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा था, हाँ बोलिए। तो बनारस रसरा के बीच में जो एक्सप्रेसवे बनाया है उस पे जाने के लिए सब लोगों को आपके सामने से ही जाना पड़ता है, सामने जाना है सर, और पेट्रोल पंप से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी से वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ को जोड़ा है बलिया से, हाँ और एक जो है बनारस से जो गोरखपुर का ये 4 लेन है सर, तो वो दोनों जो है क्रॉस करते हैं सर पेट्रोल, हमारे पेट्रोल पंप से 7 किलोमीटर की दूरी पे, समझ गया। में ट्रकों की संख्या भी काफी ज्यादा रहती है क्योंकि वही रास्ता एक ऐसा है जो बिहार भी जाता है, हाँ। और बिहार हो रांची हो तो वहां से जो है ये जो खनन वाली गाड़ियां सब जाती हैं, या नहीं प्राइवेट गाड़ियां जाती है, प्राइवेट गाड़ियां जो है बनारस के लिए ज्यादा जाती है ना सर, हाँ नहीं ठीक है। देखिए कैसा है मैं आपको बोलता हूँ, ये अभी आपने हाईवे पे जो रेस्टोरेंट बनाया है
मेरा भी हाईवे पे ही है एक रेस्टोरेंट, मतलब मेरे तीन चार रेस्टोरेंट है, उसमें एक रेस्टोरेंट मेरा हाईवे पे है। तो हाईवे पे जो टारगेट कस्टमर होते हैं ना, वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। एक है आपके रेगुलर ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स। सर ट्रक ड्राइवर्स जो रहते हैं ना, उनका प्रॉब्लम क्या रहता है, उनका बजट ज्यादा नहीं रहता है, जी उनको दारू चाहिए। मतलब ये मैं मेरे महाराष्ट्र के एंगल से बोल रहा हूँ शायद, सर बट मुझे आप शायद थोड़ा ये करेंगे, बट उनको क्या है, उनको खुद की मुर्गी पकानी होती है, या उनका बजट कम रहता है, बेसिकली खाना सस्ता चाहिए होता है। तो वो जी जो जो ट्रक का ढाबा है ना, वो ट्रक का ढाबे के लिए आपका जो जगह है पार्किंग का, वो जगह वो लोग पूरा खा डालते हैं, क्योंकि वो लोग को ओवरनाइट रहने का रहता है, दूसरे दिन सुबह निकलने वाले रहते हैं। ये एक टाइप का जी ढाबा हो गया। दूसरा जो ढाबा हो गया, वो एक हाईवे रेस्टोरेंट। अभी आपने सिंस इतना खर्चा किया है, मेरे हिसाब से कितना बोले आप, 60 लाख, साठ साठ लाख लाख साठ लाख सर 60 लाख में 37 लाख, मैं अभी गिन रहा हूं यहाँ पे, 60 लाख में थर्टी जी सेवन लाख से आपका तो बेसिक सिविल में ही चला गया। 15 से 20 लाख जी रुपया आपका भराई में गया, 15-20 लाख जी रुपया आपका बाउंड्री में गया, 2 लाख रुपया मोबाइल टावर में गया। तो चलो ठीक है, जो जी गया वो अपना इन्वेस्टमेंट ही है, उससे आपके जगह का एप्रिसिएशन बढ़ेगा, आजू बाजू वालों का तकलीफ, बाउंड्री वॉल बांधा है तो आजू बाजू वाले का तकलीफ नहीं होगा। बट वैसे देखने को जी गया तो आपने रेस्टोरेंट के स्ट्रक्चर के लिए अभी तक सिर्फ 20 लाख रुपया डाला हुआ है, 20-25 लाख रुपया, क्योंकि सर सर बाकी सर सब सर पीछे का और इसमें गया। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मेरे हिसाब से हाई प्रॉफिटेबल जो कस्टमर है, वो हमेशा आपका फैमिली कस्टमर, कपल्स, फैमिलीज, या फिर ऑफिस जाने वाले कस्टमर्स, वो अपने लिए ज्यादा प्रॉफिट के कस्टमर है, अगर आप उनको अपने ट्रक वालों से कंपेयर करें तो। ये मेरा पर्सनल जी ओपिनियन है, क्योंकि किस जगह आपकी है तो आपको डिसाइड करना है वो किसको देना है। लेकिन जब भी आप ट्रक ड्राइवर्स को देते हैं, ये देते हैं, तो उसमें आप जगह का रेंट लेते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा कमाने देते नहीं है वो लोग, क्योंकि उनका, अरे जो ट्रक ड्राइवर का पगार कितना होगा, 20-25 हजार रुपया, और उसके अंदर उसको खाना है, उसके अंदर उसको पैसा बचाना है, उसके अंदर उसको ये करना है। तो उससे अच्छा, अभी आपने सिंस इतना खर्चा किया है, तो आप है ना वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अच्छा खासा, और उसमें टॉयलेट आप बहुत अच्छा बांधिए, ये नंबर वन आपको मैं बोल रहा हूँ। कोई सर भी अच्छे कस्टमर को अगर आपको खींचना है, हाईवे पे क्या प्रॉब्लम होता है, तीन चीजें होती है हाईवे पे। पहली बात बोलेगा तो उनको गाड़ी रखने के लिए छाव वगैरह चाहिए, अच्छा पार्किंग चाहिए, क्योंकि बारिश अगर आ गई, गाड़ी कीचड़ हो गई, तो वो लोग अगर गाड़ी लगा दिए तो उनके उनके जूते, लोगों के जूते भी महंगे होते हैं, वो खराब हो जाएंगे, वो आपके रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे। पार्किंग अच्छा होना चाहिए। दूसरा मतलब टॉयलेट पॉश होना चाहिए, और पॉश होने से भी ज्यादा टॉयलेट हर एक घंटे में क्लीन करवाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला गाड़ी से उतरने के बाद आदमी किधर जाता है, टॉयलेट जाता है, क्योंकि वो जी तीन तीन चार घंटा गाड़ी में बैठा होता है, उसको टॉयलेट होती है, तो वो जाता है, फ्रेश होके आता है, तो वो क्लीन होना चाहिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, अच्छे चलने वाले रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है कि टॉयलेट पे बहुत खर्चा करते हैं वो लोग, और जो रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चलते उनके टॉयलेट एकदम हॉरिबल होते हैं, ये नंबर टू। और तीसरा जो जी है, ये रेस्टोरेंट जो आपका है वो क्लीन, नीट और अच्छा खासा खाना उनको देना चाहिए। रीजनेबल ऐसा नहीं कहूंगा, थोड़े से डिशेज आप रीजनेबल रख सकते हैं, थोड़े से डिशेज आप, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो आप महंगे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी आने वाला जो कस्टमर है वहां पे, वो सर तीन टाइप का होगा। मान लीजिए कि आप अभी ये दूसरा वाला सिनेरियो चूज करते हैं, ट्रक वाले का बात अलग है, अपन यहाँ पे प्रॉफिट कमाने बैठे, तो हम लोग उन्हीं लोगों को खाना बेचेंगे, वो जो हम लोग को ज्यादा पैसा दे पाएंगे, जो बार बार हमारे पास आएंगे। ट्रक वाला एक बार आपके पास गया, वो अगले महीने में आपके पास आएगा। गाड़ी वाला, अगर आप खाना अच्छा दे रहे हैं, तो शायद हर हफ्ते आपके पास आए। अभी बरेली, आपने क्या बोला, बरेली से रसरा ना, बरेली नहीं, क्या बोला ये आपने, बलिया डिस्ट्रिक्ट सर, बलिया बलिया हाँ बलिया, तो समझ डिस्ट्रिक्ट, गया। हाईवे, हाईवे कौन सा ये है दोनों साइड का? बनारस बनारस टू हाँ, तो बनारस बनारस टू कितना लंबा है आपके बलिया पास, आपसे बनारस कितना लंबा है? 80 किलोमीटर है सर, अस्सी अच्छा, किलोमीटर एटी बनारस अस्सी किलोमीटर किलो और बलिया, बलिया बड़ा है क्या? बलिया बड़ा है सर, बलिया सॉरी जो है सॉरी पूरा सॉरी, बिहार। बलिया नहीं, हाँ रसरा, रसरा, रसरा बड़ा है। रसड़ा एक नगर पालिका है और यहाँ अच्छा पे व्यवसायी लोग ज्यादा हैं सर, स्वर्णकार लोग ज्यादा हैं, तो सोने का कारोबार सीधे मुंबई से आपके यहाँ से होता है। अच्छा तो गुजराती, गुजराती मारवाड़ी लोग नहीं ज्यादा है, स्वर्णकार सुनार होते हैं सर, जो सोने का सोनार, कारोबार करते हैं। जी सोने का, सोने का, जी जी सोने का, सोने। और सीधे होलसेलिंग सर मुंबई से करते हैं इन लोग तो इसमें तो। जी इसमें अभी पॉइंट पे बोलता हूँ, सिंस आपने पूछा कि कस्टमर कौन सा रहेगा, तो जी
वेज नॉन वेज भी आप कर सकते हैं और वेज भी कर सकते हैं, दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है, वो मैं आपको बता देता हूं। वेज अगर करेंगे तो सुबह से लेके रात तक आपके पास कस्टमर रहेगा, नॉनवेज करेंगे तो जनरली सुबह तो कोई दारू पीना चालू नहीं, सॉरी बार वगैरह रखेंगे तो सुबह कोई दारू पीना तो चालू नहीं करेगा, ज्यादा करके दोपहर के बाद शाम के बाद करना चालू करेगा। और वेज में टेंशन कम रहता है, वेज में, क्योंकि वेज सबसे इजी और सबसे क्लीन और सबसे टेंशन फ्री रेस्टोरेंट माना जाता है। नॉनवेज में रहेंगे तो थोड़ा सा, सॉरी नॉनवेज रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉनवेज में आपके पास कॉस्मोपॉलिटन पब्लिक ज्यादा आएगा, और अगर आप उसके साथ में ड्रिंक्स रखेंगे तो ड्रिंक्स में फिर थोड़े से टेंशन्स बढ़ने की क्षमता है, क्योंकि दारू पीने के बाद फिर आदमी थोड़ा सा बता नहीं सकते कैसा बिहेव करता है, क्योंकि वो खुद के सेंसेस में रहता नहीं है, किसी को छेड़ दिया, कोई ग्रुप आ गया, तो वो थोड़ा ज्यादा टेंशन का काम है। तो ये डिसीजन आपको, और कोई भी डिसीजन सही और गलत नहीं है सर्वेश जी, आप कोई भी डिसीजन कीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका रेस्टोरेंट प्रॉफिट करने वाला है। तो हर एक का रिस्क टेकिंग एपिटाइट होता है। जब आपने कैसे बोला, आप आगरा में आपका दूसरा बिजनेस या काम चल रहा है और आपको टेंशन नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से आप कम टेंशन वाला चीज लीजिए। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अगर आपका होगा तो, और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में मॉर्निंग से कस्टमर आना चालू होते हैं, ब्रेकफास्ट का अलग कस्टमर होता है, ब्रंच का अलग होता है, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में वाला, क्योंकि जो लेट निकलता है उसको भूख लगती है, सुबह ब्रेकफास्ट करके घर से निकले, चार घंटा गाड़ी में किधर जाए, चलो खाना खा लेते। तो वेजिटेरियन आप मेरे हिसाब से चालू करेंगे तो वो आपको इजी मैनेज करना होगा। ये हो गया आपका एक पॉइंट, क्लियर हो गया। अभी रेस्टोरेंट चलने के लिए मैंने आपको तीन चीजें बोली है जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। पार्किंग अच्छा बनाइए, पेवर ब्लॉक वगैरह लगा के पार्किंग अच्छा बनाइए, टॉयलेट अच्छा बनाइए, लेडीज और जेंट्स टॉयलेट, और एक लेडीज और एक जेंट्स उधर ही रख दीजिए, उसने वही काम करने का, दूसरा कुछ काम नहीं करने का, हर एक घंटे में जाके साफ सफाई करने का, बास नहीं आना चाहिए, फ्रेशनर चाहिए, पॉश बनाइए थोड़ा, हो सके तो एक छोटा आर्किटेक्ट वगैरह कोई ले लीजिए डिजाइन करके। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 50 लाख रुपए डालें कम में भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा बनाइए। तीसरा मतलब रेस्टोरेंट जो है वो रेस्टोरेंट को आप ढाबा फील दे सकते हैं या फिर आप नॉर्मल दे सकते हैं। सीटिंग थोड़ा कंफर्टेबल रखिएगा और हो सके उतना किचन सीटिंग एरिया से थोड़ा लंबा रखिएगा, क्योंकि हाईवे पे क्या होता है, हाईवे पे खास करके दोपहर में वगैरह ऊपर बहुत तप जाता है। अभी आपने जो बनाया हुआ है, मेरे हिसाब से आपने वो सीमेंट शीट है तो, और लेकिन हाइट अच्छा दिया है आपने, अगर मैंने देखा है आपने हाइट काफी अच्छा दिया हुआ है, तो हाइट अच्छा 15-18 है सर, इधर से 15 है, मध्य में 18 है। यस 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 यस। तो ये आप इसके साथ में ये कीजिए। और हाँ, और क्या सवाल था आपका? हाँ सर, जैसे आपने बताया कि वेजिटेरियन बेहतर रहेगा नॉनवेज से, और दोनों मिक्स करेंगे तो फिर वेज नहीं आते क्या? वेज और नॉनवेज दोनों शुरू करते हैं तो क्या वेजिटेरियन लोग नहीं आते नॉनवेज के साथ? नहीं आते वेजिटेरियन लोगों का मैक्सिमम, हर एक आदमी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या होता है वेजिटेरियन हिंदू लोगों में वेजिटेरियन है ना, वो काफी मात्रा में ज्यादा है, मतलब आप अगर परसेंटेज, और हिंदू लोग इंडिया में वैसे भी ज्यादा, मुझे वो एरिया का पॉपुलेशन का अंदाजा नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल इंडिया का तो यहाँ भी हिंदू ही जाते हैं सर। हाँ, तो हिंदू ज्यादा है तो हिंदू में वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं, वो लोग शायद नॉनवेज खाते हैं लेकिन वो लोग एक दिन में नॉनवेज खाते हैं। बट नॉनवेज का प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉनवेज हाईवे पे कोई ज्यादा नहीं खाता, उसका रीजन क्यों है, क्योंकि उनको गारंटी नहीं होती कि वो अच्छा क्वालिटी का है, चिकन अच्छा होगा क्या, देगा क्या, या फिर पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे, वैसे भी अलग अलग जगह का पानी पी रहे हम लोग, उसके साथ में चिकन खा लिया। तो वो मैंने तो मेरा जो कामत रेस्टोरेंट है हाईवे पे, मुंबई गोवा हाईवे पे, वहां पे मैक्सिमम मुस्लिम्स लोग आके पूरी भाजी, पाव भाजी, ये वगैरह वेजिटेरियन खाते हैं, और मैंने बहुत बार उनको बोला हुआ, अरे यार आप तो ज्यादा नॉनवेज खाते हो, आप वेज को, वो बोलते हैं कि हाईवे पे हमको वेज पे किसी पे भरोसा नहीं। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो खुद बोलते हैं कि हाईवे पे हमको, हम लोग नॉनवेज घर में खाएंगे या सिटी में कोई होटल में खाएंगे, बट हाईवे पे हम लोग नहीं खाएंगे। तो ये हर एक का मेंटेलिटी होता है। सो वेज कैसा है, वेज में सबसे कम रिस्क है जी, और सबसे कम वेस्टेज, सबसे कम स्पॉइलेज, और
पॉपुलेशन अगर आपका वो ऐसा मैच कर रहा है तो, और लाइट फूड रहता है, इवन आप अगर पंजाबी थाली बना के देंगे या फिर वहां का पराठा देंगे तो लाइट फूड रहता है, तो खाना खाने वाला बोलता है अरे यार खा लिया चलो मैं और 4 घंटा गाड़ी चला सकता हूँ मेरे को टेंशन नहीं, नॉनवेज चिकन बिरयानी खा लिया तंदूरी खा लिया फिर गाड़ी चलाने वाला सोएगा रात को, यू नो वो लफड़ा होने का चांस रहता है तो अच्छा। और दूसरा मतलब आपने जो सवाल पूछा कि वेज में जो लोग वेज खाते हैं और वो रेस्टोरेंट में अगर नॉनवेज हुआ तो मोस्टली जो हिंदू लोगों के जो फीमेल्स होते हैं जो मतलब हमारी दादी हो गई या फिर मेरी माँ हो गई वो लोग जनरली नहीं आएंगे क्योंकि उनको उनको डर रहता है कि ये दोनों का किचन एक ही है तो मतलब वो बनाने वाले ने वेज का डाल दिया नॉनवेज में, नॉनवेज का डाल दिया वेज में, तो वो भरोसा उनको नहीं रहता है इसके लिए वो, और वो फिर वो जो समाज रहता है वो टोटली आपका रेस्टोरेंट को अगर नॉनवेज है तो वो पूरा आपका ये निकल जाएगा मतलब वो दे विल एक्सक्लूड इट सो, और ये हुआ है बहुत जगह पे तो अच्छा, अगर आपको अगर आपको नॉनवेज करना है तो उसके साथ में ज्यादा सेल करने के लिए आपको ड्रिंक्स रखेंगे तो वो आपको ज्यादा चल सकता है, भले फिर आप वो इसको मत दीजिए आप हाईवे का ढाबा को मत दीजिए आप प्राइवेट कस्टमर को दीजिए, बट फिर वो खाने वाले लोग अलग आएंगे। तो मान लीजिए अभी बनारस है, बनारस में जो लोगों को एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, अभी आपने कहा कि एक्सप्रेस हाईवे है तो एक्सप्रेस हाईवे पे अभी 80 किलोमीटर चलाना मतलब कितना, 1 घंटे में कवर हो जाएगा 80 किलोमीटर? जी जी, एक घंटे हाँ, तो एक घंटे में हो जाता है। बनारस काफी बड़ी सिटी है उस हिसाब से, तो बनारस वाले अगर बोल लिए कि चलो यार अभी मान लीजिए आपका ढाबा है निसर्ग ढाबा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक निसर्ग ढाबा, चल यार निसर्ग ढाबा में, और आपने समझो एक स्पेशलिटी बना ली चिकन हंडी, या फिर अभी हमारा जो है वहां पे आगरी समाज है, आगरी मतलब एक महाराष्ट्र में एक आगरी समाज होता है, तो उन्होंने चिकन लपेटा करके आइटम चालू किया, चिकन लपेटा नाम बहुत बोलते हैं ना फिल्मी है क्या वो चिकन को वो लोग मसाले में लपेट के देते हैं। सो वैसे आपका कोई स्पेशलिटी के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोयला चिकन बोल दिया, क्या कोयला चिकन मतलब क्या, चिकन को कोयले पे पकाया है उसको कोयला चिकन, तो थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आता है, या मान लीजिए आपने मटन बिरयानी आपका यहाँ पे फेमस हो गया, ये वेज के लिए भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉन वेज के लिए चलेगा, वेज के लिए भी चलेगा। तो लोग उस स्पेशलिटी, और वो स्पेशलिटी को अपन फेसबुक के द्वारा इंटरनेट के द्वारा उसको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, फिर लोग वो खाने के लिए उतना लंबे से आएंगे, आने जाने वाले तो खाएंगे ही वो, लेकिन लंबे से भी जो आएंगे वो लोग बोलेंगे मेरे मुंह में पानी आने लगा तो लंबे से भी आने वाले बोलेंगे अरे यार चल आज थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, 7-5-6 दिन कहीं गए नहीं और आज निसर्ग ढाबा में कोयला चिकन खा गया था चल, ऐसा तो वो अलग कस्टमर आपको खींच के लेके आएगा, तो ऐसा स्पेशलिटी के जैसा आपको काम करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ सर। आपका अनुभव सर ये है कि नॉनवेज यदि खुलता है तो वेजिटेरियन कम आएंगे सर, ये कन्फर्म है? वेजिटेरियन आएंगे, वेजिटेरियन जो नॉनवेज खाते हैं वो आएंगे, जो प्योर वेजिटेरियन है वो लोगों में से थोड़े बहुत आएंगे बट 70-75% नहीं आएंगे क्योंकि उनको प्योर वेज ही लगता है। किचन यदि अलग अलग भी करा दें, क्योंकि मेरे पास स्पेस ज्यादा है तो भी चांसेस कम है। किचन अलग करा दें, आपको दोनों रेस्टोरेंट ही अलग करने होंगे, एक प्योर वेज और एक नॉन वेज, उसी में आधा कर दें सर तो कैसा रहेगा? 5,000 स्क्वायर फीट का हॉल है। अच्छा। वो फिर देखिए कैसा है, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, बट अपने को है ना कोई तो एक चीज को पकड़ के उसको उसके ऊपर घुसना पड़ेगा। अभी आप पेट्रोल और डीजल और इलेक्ट्रिकल और CNG इसमें आप क्या चूज करते हैं, सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, पेट्रोल और डीजल? चल वो चलो पेट्रोल डीजल सर। हाँ मैं तो आप CNG जब भी उधर आपका वॉल्यूम आएगा तभी आप CNG चालू करेंगे, और इलेक्ट्रिकल जब भी वॉल्यूम आएगा तभी आप इलेक्ट्रिकल करेंगे। बोलने का मतलब है कि वैसा आपको अभी नॉनवेज या वेज दोनों में से कोई भी एक चलता है, अभी आपके पर्सनल को क्या सूट होता है और सामने मार्केट को क्या सूट होता है वो आपने चूज करना है। अगर मान लीजिए मैक्सिमम वेजिटेरियन हिंदू वहां पे है, देखिए ढाबा का जो रेस्टोरेंट है ना आप जो बना रहे हैं उसको एक आप वैसा फील देंगे ना, मतलब थोड़ा सा नॉन सिटी टाइप रूरल फील देंगे ना, मतलब
थोड़ा गांव के जैसा फील देंगे ना, तो लोग खाने के साथ में फील भी लेने को आते हैं। जी जी, तो वो फील लेने के लिए अगर आपको कस्टमर ज्यादा खींचना है तो तभी आप थोड़ा नॉनवेज और ड्रिंक्स लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अभी मुझे पता नहीं बनारस में ड्रिंक्स वाले या नॉनवेज वाले ढाबे ज्यादा चलते हैं आपके हिसाब से? नहीं, ड्रिंक्स तो वैसे सर मैं इसको मैं खुद जो है उसके पक्ष में नहीं हूँ सर। चूज नहीं करते। चलो ठीक है, जो ड्रिंक्स को छोड़ दीजिए, नॉनवेज ढाबे? नॉनवेज ढाबे तो हैं सर, नॉनवेज ढाबे हैं, अच्छे चलते हैं। हाँ, बनारस में भी अच्छे चलते हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा सा नॉनवेज मतलब लोग घर पे कम, बाहर भी ज्यादा प्रीफर करते हैं नॉनवेज। अच्छा। और वेज भी प्रीफर करते हैं। तो अब ऐसा ना हो कि केवल दोनों तो, हाँ जी नहीं, वो आप दिमाग में मत रखिए। अब देखिए मेरा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, देखिए दोनों जो आप चालू करेंगे ना तो दोनों अच्छा चलने वाला है। तो आप वो मत, वो दुविधा मन में लाइए ही मत कि यार मैं एक कैसे चूज करूं। और ऐसा अगर करना है तो आप वेज नॉन वेज ही रखिए। बट जो थोड़ा बहुत पॉपुलेशन है जो सेंसिटिव होता है, जो बोलते हैं नहीं यार मेरे को प्योर वेज में ही जाना है, वो आपके पास नहीं आएगा। और वो चीज अपने को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अभी आपने, आप हमारे हाथ में तो है नहीं, हम तो चाहते हैं कि भले आप कितना भी क्लीनलीनेस से काम करें, अलग अलग से काम करें, जो और वो चीज जो है ना, वो उसमें वो एक्चुअली एक थिंकिंग प्रोसेस का प्रॉब्लम है। ये मैं ज्यादा हमारे बॉम्बे में, हमारे बॉम्बे में जो गुजराती मारवाड़ी पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे लोगों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो लोग नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाते ही नहीं है, वो लोग देखते भी नहीं है उसकी तरफ। तो अगर आपके पास वैसा है तो आप उनको देख, और बट वो उनको छोड़ के भी बाकी के लोग है ना नॉनवेज खाने वाले, आप उन पे फोकस कीजिए। अरे करोड़ों लोग यार, कितना बड़ा पॉपुलेशन है वहां पे, तो इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, तो आप वो मत कीजिए। अच्छा अच्छा मस्त पिक एंड स्पैन अच्छा वाला बनाइए। अच्छा, और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी है, विजिबिलिटी पे फोकस कीजिए। विजिबिलिटी का मतलब बड़े बड़े होल्डिंग्स, आप चाहिए तो होल्डिंग रेंट पे लीजिए या खुद के होल्डिंग बनाइए। बट जब तक आपके आपका मार्केट में नाम नहीं होता है, इनिशियल छह से लेके, छह महीना से लेके एक साल, तब तक आपको विजिबिलिटी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ठीक सर। और मैं आपको, आई डोंट नो आज ज्वाइन किया ही कि नहीं, हमारे एक हमारे एक मेंबर है दीपक करके, दीपक नादिगर, आई थिंक आज लाइव आए नहीं, वो इज दीपक हियर? नहीं ना, नो नो इज नॉट हियर। सो दीपक नादिगर करके है, उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। उनका भी हाईवे पे रेस्टोरेंट है, उन्होंने एक साल में वो प्रॉफिट में लाया है, और उन्होंने रेंट पे लाया, ये तो आपका खुद का रेस्टोरेंट है। उन्होंने तो रेंट पे लेके प्रॉफिट किया। आई थिंक अभी वो कुछ एक्विजिशन में जा रहा है, रेलवे का एक्विजिशन में जा रहा है, बट उनको काफी कॉम्पेंसेशन वगैरह मिलने वाला है, तो वो बहुत खुश है। तो उनके साथ भी है, वो हमारे फेलो मेंबर है, मतलब वो आपके जैसे मेंबर है, तो उनके साथ में कॉन्टेक्ट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आएगा। मैं तो हर वीक में आता ही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देते रहूंगा, साथ में उनसे भी थोड़ा इनपुट लीजिए। बट वेज नॉन वेज करे या कोई भी करे, ऐसा कोई सही नहीं होता कि यार यही सही है यही गलत है, क्योंकि इंडिया में खाने वालों की कमी नहीं है। हाँ, जो देंगे अच्छा क्वालिटी का दे। अच्छा, बाय द वे, और एक चीज, आपका जो कैश रिलेटेड सब चीज है उसके लिए आप खुद का एक घर का आदमी रखिए। जी सर, उसके लिए मैंने पेट पूजा ऐप जो है उसको नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर की बात हो गई, मैं सॉफ्टवेयर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए कैसा है मालूम है, खुली तिजोरी है ना, किसी का भी नियत खराब कर देती है। तो आप वो कैश का जो हैंडलिंग है उसके लिए आपके घर का एकमात्र कोई तो होना बहुत जरूरी, क्योंकि आप नहीं है वहां पे। जी जी जी, आप चार दिन रहेंगे, बाद में आप जॉब पे निकल जाएंगे, चार दिन आप यहाँ पे 24 घंटा रहेंगे, लेकिन बाद में तो आप निकल ही जाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना कभी भी देखिए, दो चीज अपने हाथ से कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एक तो चेकबुक और दूसरा मतलब कस्टमर के साथ में जो कनेक्शन है, तो वो आपका वो आदमी ने निभाना चाहिए, मतलब मार्केटिंग बोलते बेसिकली। सो यू शुड नेवर, मतलब आपने कभी भी दो चीज आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, आपका चेकबुक और ये, तो वो उस पर आपका कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। कैश का जो है, कैश काउंटर हो गया, तो मान लीजिए आपका कोई साला है या चाचा का लड़का है या मामा का लड़का है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो उसको अभी आप, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा, तो उसमें आप किसी को, आपका खुद का लड़का होगा लड़की होगी जो भी है, कैश काउंटर आपके हाथ में रहना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरी दूसरी एक बात बोलता हूँ, ये कलकत्ता का बंदा जो आपने लाया हुआ है या कोई भी स्टाफ आपने रखा हुआ है, ऐसा मान के चलिए कि ये आगे जाके अच्छा चलने लगेगा तो आपको नखरा करके दिखाएगा। ये मेंटली प्रिपेयर रहिए आप, अभी कितना भी अच्छा बात करने दो। मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जब भी रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है तभी सब लोग बहुत अच्छा बात करते हैं, पर एक बार रेस्टोरेंट चलने लगता है, अच्छा चलने लगता है, फीडबैक आता है, पैसा कमाने लगता है, तो जो किचन के लोग हैं ना उनमें से थोड़ा सा लोगों को थोड़ा कॉलर टाइट होना चालू होता है, उनको लगता है मेरे वजह से चल रहा है, ये ना मैं खाना बना रहा हूँ बोल के चल रहा है, ऐसा चल रहा है वैसे, फिर पगार बढ़ाने का बात, मैं लेट आऊंगा, मैं ये करूंगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, बोलते ना अभी हमारे हमारी भाषा में उसको बोलते हैं चर्बी आना, तो वो चर्बी 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 आने की जो मात्रा है, तो ये आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, ये होने वाला है, और इसके लिए प्लान बी प्लान सी का भी तैयारी रखिए। अभी आपके पास अभी आपने कितना स्टाफ रखा है? अभी मेरे पास एक मेन कुक हो गया, और दो तीन हेल्पर, और एक फ्राई पैन वाला, एक फ्राई पैन वाला, और जो ग्लास पानी, जो टेबल सफाई कर्मी होते हैं तो वो दो रखा हूँ। अभी ज्यादा और स्टाफ मत बढ़ाइए क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा, और अभी फिलहाल के लिए एकदम कम में चालू कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है कि आप ओपन करेंगे और दूसरे दिन से यहाँ पे 200 गाड़ियां लगनी चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, यू नो, क्योंकि आपको आपका भी वो प्रोसेस है बनाने का, आप स्लोली स्लोली बनाओगे, स्लोली स्लोली बनाओगे, तो इनिशियली आप ज्यादा खर्चा, मतलब आदमी लोग, वो लोग आपको भले बोले, आपको कुक बोलेगा मेरे को और एक हेल्पर चाहिए, मेरे को तंदूरी वाला चाहिए, ये चाहिए, उसको बोलने का फिलहाल धंधा होने तक सब तू ही संभालेगा। अभी जितना स्टाफ आपने रखा है वो छोड़ दीजिए, उसके बाद टोटल कितना स्टाफ रखा है आपने? अभी टोटल 8 रखा है सर। हाँ ठीक है, तो अभी 8 है ना, उतना ही रखिए और बढ़ाइए नहीं, एक आपके घर का एक आदमी एज मैनेज करने के लिए रख दीजिए, जो तो जो इनोसेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने घर का ही आदमी है जो भाई पैसा उड़ाने वाला निकला और एक भरोसे का कोई बंदा भैया, ताकि पैसा अगर जा भी रहे तो आपको पता चले। मान लीजिए आपके चाचा का लड़का है और वो 2 महीना 3 महीने 4 महीने में मान लीजिए अच्छा चलने लगा और उसका मोबाइल चेंज हो गया, पहला उसका नोकिया था, बाद में उसने आईफोन ले लिया, तो आप समझ सकते हैं ना, अरे यार मेरे चाचा का इनकम इतना, ये बंदे ने 1,00,000 रुपए का आईफोन कैसा ले लिया, तो वो कंट्रोल अपना होना बहुत जरूरी है। और बस और क्या है, प्लान बी के ऊपर काम कीजिए। अभी अभी मान लीजिए आपका जो कुक है बंगाली कुक, प्लान बी रहेगा सर, प्लान बी में आपको अभी जो बंगाली कुक है, ऐसा मान के चलिए कि अगला 3 महीने में ये नखरे करने वाले हैं लोग, मान के ही चलिए, क्योंकि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, चाहिए तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के आपको कुरियर करता हूँ, ये होने वाला है, तो इसके लिए आप अभी सोचना चालू कीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आपका एक्सपीरियंस है। अभी देखिए आपका पेट्रोल पंप में और आप जो दूसरा करते हैं उसमें आपका ये हमारा खून में, इसके लिए हमें आपके बिना बोले मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अभी आपका जो कुक है और जो हेल्पर वेल्पर है उनके अंदर से आप कुक के साथ में जो 2-3 हेल्पर है ना उसके साथ में रिलेशन डेवलप करना चालू कीजिए, क्योंकि ये कुक निकलने के बाद में हेल्पर ही अच्छा काम करेगा, भले वो उसने लाया हो तो भी, उसने लाया हो तो भी, किसी एक आदमी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने का, सबको सबको सीधा सबको अच्छा ट्रीट करने का, और किसी भी आदमी को सबके सामने इंसल्ट भी नहीं करने का, ये आपका मतलब ये ओनर ने संभालना चाहिए, क्योंकि लोग स्टाफ जो आते हैं हमारे इधर काम करने के लिए वो अपना घर बार छोड़ के आते हैं, तो उनको एक थोड़ी बहुत आशाएं होती है अपने ओनर से, नंबर वन आशा है कि भैया पगार टाइम पे मिले, नंबर टू आशा है कि थोड़ा बहुत ख्याल रखे, थोड़ा पूछे हम उनको ओनर, ये मैं अच्छे दिल वाले आदमी की बात कर रहा हूँ, यूनियन माइंडेड आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टाफ की। तीसरा मतलब टाइम पे पगार दे, थोड़ा सा इज्जत दे, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए स्टाफ को, तो ओनर ने ज्यादा भी दबाना नहीं चाहिए स्टाफ को और ज्यादा ढील भी नहीं देना चाहिए, ऐसा समझिए कि ओनर जो स्टाफ को संभाल रहा है ना, तो आपके बच्चे कैसे अपन संभालते हैं वैसे आपने आपको स्टाफ को संभालना है, किसी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ठीक है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देना है, बट किसी ने एक ने बोल दिया तो तुरंत दूसरे को चिल्ला दिया, दूसरे ने बोला तो इसको चिल्ला दिया, ऐसा नहीं, सबको समान रखना है और सबसे रिलेशन रखना है, टाइम पे पगार दें, तो फिर क्या है एज अ ओनर हम लोग जब भी एक स्टाफ को ज्यादा इज्जत देना चालू करते ना तो वो हवा में चढ़ना चालू हो जाता, आप समझ रहे मेरी बात को?
बिल्कुल बिल्कुल और उधर गड़बड़ चालू हो जाती है। उसको क्या लगता है कि मैं कुछ तो 30 मार्क का हूं, अरे ओनर नहीं बोला, ओनर तो बोला कि बटर चिकन अच्छा बना है, इसके जैसा बटर चिकन जिंदगी में नहीं बना, तू बहुत बड़ा कुक है, ऐसा ऐसा कभी नहीं बोलने का। कोई भी बहुत बड़ा कुक नहीं है। ओबेरॉय होटल का जो मेन शेफ है मिस्टर हेमंत ओबेरॉय, सॉरी ताज होटल का जो मेन शेफ है मिस्टर हेमंत ओबेरॉय, इनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारी चीजें, उन्होंने अभी 1-2 साल पहले बीकेसी ड्राइव में होटल खोला था और वो होटल बंद हो गया। तो कोई आदमी बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, एवरीबॉडी इज सिमिलर, और अपन लोगों ने भी वैसे ही उनको मैनेज करना है। तो वैसा डिसीजन करके चालू कर दीजिए और टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं आपका हो जाएगा। हर हफ्ते लाइव आइए, अगर आपको लगा कि भैया मेरा प्राइवेट कोचिंग चाहिए तो मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको प्राइवेट कोचिंग दूंगा। अरे यार खुद का जगह है उसमें आप इतना रिस्क लेके, रिस्क मतलब रिस्क तो है नहीं, बेसिकली आपका प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर इसमें अगर आपने ज्यादा पैसा मजा नहीं किया तो फिर क्या किया जिंदगी में। सही बोल रहा हूँ ना सर? सर सर हाँ, अभी अभी आपको नर्वस लग रहा है क्या? नहीं नहीं, काफी हल्का फील करा देते हैं सर आप। अरे मैं हूँ आपके साथ, कोई बात नहीं। और जो थैंक यू, जो कोर्स है वो भी आप पढ़िए, और अगर आपको मेरा प्राइवेट कोचिंग चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैं आपको डिटेल दे दूंगा। जैसे अभी ये आई थिंक कौन है अभी ये था अश्विनी जी का भी, आई एम सॉरी अश्विनी जी आपका मैं ये भूल गया, उनका भी खुद का जगह है, उनको रेस्टोरेंट करना है। तो ऐसा है तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे पास आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं हूँ आपको मदद करने के लिए। sure, और साथ में वी विल मेक इट सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। या बाय, टेक केयर।